अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ क्लिनिक के साथ हाज़िर हैं और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ रज़ा शेख। नाज़रीन, हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा आला से आला तालीम हासिल करके माशरे का एक बाइज़्ज़त शहरी बने, एक बाइज़्ज़त मुकाम हासिल करे। वो इसके लिए जद्दोजहद भी करते हैं और इसके लिए हर कीमत देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बाज़ुकात तमाम तर कोशिश के बावजूद हमारे बच्चे तालीमी मैदान में वो कारकर्दगी नहीं दिखा पाते जिसकी हम तवक्को कर रहे होते हैं। इस सिलसिले में कौन से फैक्टर हैं जो बच्चों की तालीम पे असरअंदाज होते हैं, इस पे हम आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर शाजिया शहजादी, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर शाजिया शहजादी, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाजिया के साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर अली अहमद खल साहब, माहिर तालीम हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर शाजिया, आपसे आगाज करते हैं कि इम्पोर्टेंट तरीन हमारा आज एक टॉपिक है और हर पेरेंट्स जो होता है वो अपने बच्चों की तालीम के हवाले से वो बड़ा कंसर्न होता है। तो आप क्या सोचती हैं, अगर हम थोड़े से साइकोलॉजिकल हवाले से बात करें तो ऐसे बच्चे जो तालीम के मैदान में अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती, तो उनमें क्या ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और उन्हें मद्देनजर रखना बड़ा ज़रूरी होता है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक तो दावत देने का और ऊपर से इतना अच्छा प्रोग्राम, जो टॉपिक आपने चूज़ किया। सबसे पहले तो ये कि वालदैन जो बहुत परेशान है एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि हमारा बच्चा जो है वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा जिस तरह उसको दिखानी चाहिए। तो एक्चुअली एक चीज़ आप नोटिस की है कि एक ही क्लास में एक ही 25-30 बच्चे बैठे हुए हैं और वही टीचर उनको पढ़ा रहा है, वही स्कूल है, वही बुक्स हैं, वही सारा कुछ है। क्या वजह है? एक बच्चा फर्स्ट आता है, एक बच्चा पास हो जाता है, एक थर्ड आता है, एक फर्स्ट फेल हो जाते हैं कुछ बच्चे। टीचर भी वही है, कंटेंट भी वही है, सारा कुछ वही है। तो हमने क्या करना है कि वालदैन को ये समझने की, हम एज अ टीचर ये समझने की ज़रूरत है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का एटीट्यूड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट उसका लर्निंग स्टाइल क्या है। अगर ये देख लेना कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, हम टीचर्स अगर देख लें तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर सकता है और बेहतर तरीके से सीख सकता है। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि हम बच्चों को ये चीज़ लागू कर देते हैं या फोकस कर देते हैं, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुमने इंजीनियर ही बनना है। अभी वास्ट फील्ड आ चुकी है, अब बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आप देखिए हमारे कितने एंकर्स हैं जो कि डॉक्टर्स हैं लेकिन वो एंकरिंग कर रहे हैं, क्यों? उनका इंटरेस्ट है इसमें। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि वालदैन ये देखिए बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है, जैसे उसका इंटरेस्ट वो पिक करेंगे बच्चा खुद ब खुद चल निकलेगा। डॉक्टर साहब, अभी जैसे इन्होंने बात की है कि जी लर्निंग स्टाइल और टीचिंग स्टाइल के हवाले से, अब बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब एक तरफ हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और एक तरफ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, अब वो प्राइवेट स्कूल्स शायद इसी बेस के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं कि उन्होंने अपना स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। अब क्या समझती हैं कि ये क्या तजाद है माशरे में, और वही तालीम है, वही क्लास होती है और उधर एक स्टाइल डिफरेंट है, उधर एक स्टाइल डिफरेंट है? बेसिकली हमारी तालीम और निज़ाम तालीम का यही सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारे पास एक वो सिस्टम है जिसे हम प्राइवेट सिस्टम कहते हैं, जिसके आगे फिर 4-5 हिस्से हो जाते हैं। एक अच्छी किस्म के स्कूल हैं जहाँ स्टूडेंट्स की जो टीचिंग हो रही है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, चीज़ों को समझाया जाता है और उस अंदाज में उनकी तालीम तरबियत होती है। दूसरी जानब दूसरे तीसरे चौथे दर्जे के प्राइवेट स्कूल हैं जो फिर हम कह सकते हैं सरकारी स्कूल हैं, जहाँ पे तालीम की जब बात की जाती है तो वो क्रैमिंग या रोट लर्निंग की तरफ होती है, बच्चों को रट्टा लगवाया जाता है। अगरचे गवर्नमेंट स्कूलों के लिए हुकूमत बारहा ये कोशिशें कर चुकी है कि हम इसमें से निकलें, बावजूद के गवर्नमेंट की कोशिशें हैं, जैसे रिसेंटली फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने SLO बेस्ड एजुकेशन का आगाज किया है। इस साल जो 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकेंडरी के पेपर होने जा रहे हैं, ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम पे होंगे और ये मेंट ही इसलिए हैं कि हम कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड स्टडीज करें और पेपर उसके मुताबिक बने। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम एज ए होल, चाहे इदारे सरकारी हों या दूसरे तीसरे दर्जे के प्राइवेट इदारे हों, हमें कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड स्टडीज की तरफ जाना होगा और यही कामयाबी की अलामत है और यही तरक्की की अलामत है कि जब हम किसी इलम को हासिल कर लेते हैं तो हमें उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए, यही नहीं कि सवाल के जवाब में हम रटा रटाया जवाब अर्ज कर दें। कोशिश की जा रही है
और जब हम सरकारी इदारों की बात करें तो वहाँ हम देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में बहुत ज़्यादा होते हैं, प्राइवेट स्कूलों में 20, 25, 18, जबकि सरकारी इदारों में ये 50 और 60 होते हैं। मैं डॉक्टर साहब की बात को मैं एक इंडोर्स छोटा सा करके सवाल पहले करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, अभी हम थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम इंसाफ की बात करें तो जो सरकारी स्कूल के असातिज़ा हैं उनकी जो तालीमी मेयार है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो अगर प्राइवेट से कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा होता है। क्या आप समझते हैं कि सरकारी स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनको वो इंसेंटिव नहीं मिलते जो प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स को दिए जाते हैं? बेसिकली मसला ना असातिज़ा के साथ है और ना ही स्कूल के साथ है, मसला एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ है। जब हम तालीम की बात करते हैं तो तीन चीज़ें आती हैं, क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा और उसका इम्तहान कैसे लिया जाएगा। बदकिस्मती से इम्तहान कैसे लिया जाएगा, ये कंटेंट को एक्सप्लॉइट इस अंदाज में करता है कि टीचर बाउंड होता है कि उसी अंदाज में पढ़ाए। जब तक हमारे इम्तहान लेने के तरीके में चेंज नहीं आएगी, अब फर्ज किया हम AO लेवल्स की बात करते हैं तो तमाम के तमाम सवाल जो है वो किताबों से नहीं आते, बल्कि वो सवाल होते हैं जो किताबी इलम की एक्सप्लेनेशन के तौर पे सेट किए जाते हैं। तो जरूरत इस अमर की है कि हम अपने इम्तहान को इस अंदाज में तरतीब दें कि वो समझी हुई चीज पे किए गए सवाल पर मबनी हो, ना कि टेक्स्ट में। फिर हमारे यहाँ एक और अलमिया है, हमारा अलमिया ये है कि एक निसाब आता है, निसाब शायद बाद में आता है, उससे पहले उसकी गाइडें आ जाती हैं, उससे पहले उसके खुलासे आ जाते हैं, और जो मुमतहिन है वो ऐसे सवाल के लिए जान नहीं मारता कि जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हो, बल्कि वो किसी ना किसी गाइड से या एक्सरसाइज में दिए गए सवालों से पेपर बना देता है। अब स्टूडेंट को पता होता है कि इन्हीं सवालों ने एग्जाम में आना है, तो वो समझने की बजाय रटे की तरफ चले जाते हैं। और यही वजह है कि जब हम AO लेवल की बात करते हैं, जो मैंने शुरू में अर्ज किया कि मैं दूसरे तीसरे चौथे दर्जे के प्राइवेट स्कूलों की बात नहीं कर रहा, मैं पहले दर्जे की बात करता हूं कि उनके बोर्ड जो एग्जाम लेते हैं, या वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ले रही है या मुख्तलिफ सिस्टम ले रही है, उसमें पेपर सेटर उस पर जितनी मेहनत करता है वो उसे मेक श्योर करता है कि ये क्रैमिंग बेस हो ही नहीं सकता। जिस दिन हम इस ट्रैक पे चले गए, जिस दिन हमारी एग्जामिनिंग बॉडीज हैं, बोर्ड्स हैं, उन्होंने ऐसे पेपर सेट करने शुरू कर दिए कि रटे रटाए सवालों वाले जो है ना, जवाबों वाले सवाल नहीं आएंगे, तो हम सही ट्रैक पे चढ़ जाएंगे। मैं डॉक्टर डॉक्टर साहब, साहब हाँ की जी बोलिए बात आप को इंडोर्स करती हूँ यहाँ पे कि हमने फोकस कर लिया डिग्रीज के ऊपर, हमने स्किल्स को बिल्कुल छोड़ दिया है। हम स्किल्ड बच्चे बनाकर मार्केट को दे ही नहीं रहे, हमने तोते पैदा कर दिए रट्टों वाले और उनके कंधों पे बोझ डाल दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम ये है, तुम्हारे पास डिग्री। तो मेरा ख्याल है हमें अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्किल्ड को इम्प्रूव करना चाहिए और ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करके मार्केट में छोड़ें जो कुछ करने के काबिल हो अपने डिग्रीज के साथ। डॉक्टर साहब, मैं इसी पे एक और आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि हम अब काफी सालों से ये देख रहे हैं, एक बच्चा FSC में तो वो 1100 में से 1050 नंबर ले रहा है और एंटी टेस्ट में वो फेल हो जाता है। नहीं सर, इस दफा तो 1100 में से 1100 नंबर लेने वाले भी फेल चलो हो वो गए। सर, वो तो इस तरफ तो एक्सेप्शनल बात होगी ना, नहीं हम इससे पहले 5 साल चले जाते हैं जी, उसमें भी वो 1150 में से 1050 उसके नंबर है और एंटी टेस्ट में फेल हो गया, इसका मतलब है या तो उसका पहला एग्जाम ठीक नहीं है या दूसरा ठीक नहीं है, देखिए ये क्यों सर, तजाद है? तजाद इम्तहान की नौइयत में है। जो उसका पहला इम्तहान था वो उन क्वेश्चंस पे मुश्तमिल था जिसके उसने जवाब रटे हुए थे, जी और जो दूसरा इम्तहान था वो उन सवालों पे मुश्तमिल था जिसके रटे नहीं लगे हुए थे, जी ठीक जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड था। जी मैं एक छोटी सी अर्ज करता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। मेरी बेटी को कुछ मैथ में डिफिकल्टी से, आज से कुछ 10 साल पहले की बात है, जब वो छोटी क्लासों में थी, तो मैंने एक दो दोस्तों से जिक्र किया, तो एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार ये जो मैथ है ना, ये रट्टा लगाने वाला मजमून नहीं है, लेकिन हमारे कंटेंट लिखने वालों ने, किताबें लिखने वालों ने और इसके साथ पेपर बनाने वालों ने इसे रट्टे वाला मजमून बना दिया है। मसलन हम अल्जबरे की बात करते हैं, अल्जबरे के एक फार्मूले की बात करते जी हैं, जब वो चैप्टर स्टार्ट होता है तो वो चैप्टर नए फार्मूले की थ्योरी बताता है जो एक दो तीन पैराग्राफ में होती है, फिर वो फार्मूला जी बताता है, फिर उस फार्मूले पे वो दो चार जो है ना एग्जाम्पल्स दे देता जी है, और फिर प्रैक्टिस के लिए उसने आगे 70 सवाल दिए हुए हैं। बिल्कुल सही अब चे जाए कि हमारा टीचर या हमारा सिस्टम ये बताए कि ये प्रैक्टिस के लिए है, और वो प्रैक्टिस के लिए टीचर क्लास में भी नए नए सवाल बना के दिखाए, जी
और इसी तरह इम्तहान में ये बाउंड हो गई, ये कॉम्प्रीहेंशन पेपर है, मैंने इन गिवन एक्सरसाइजेस से सवाल नहीं देना, बल्कि मैंने नया सवाल बना के देना है फार्मूला बेस्ड, तो फिर क्रैमिंग नहीं होगी। हमारे यहाँ तो ये होता है कि अगर किसी सवाल में जो टेक्स्ट में दिया हुआ था एक्सरसाइज के तौर पे, प्लस को माइनस कर दें या वन को टू कर दें, तो हमारे बच्चे ने तो रटा लगाया हुआ होता है। मसला ये है कि हमें निजामे तालीम में इम्तहानी निजाम को बदलना होगा, और बदलना ऐसे होगा कि जब बच्चे को पता होगा कि ये रटा नहीं चलेगा, ये गाइड नहीं चलेगी, बल्कि ये कॉम्प्रीहेंशन मेरी समझ चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ए ओ लेवल में इंग्लिश की बात करें, हमारा स्टूडेंट जो है उसने पोइमों को रटा लगाया होता है, समरियों को रटा लगाया हुआ होता है, ड्रामास और वेर है, ए ओ लेवल का जो पेपर आता है वो तो किताबों से आता ही नहीं है, वो तो स्किल पे आता है, जैसे मैम ने बात की है। तो जिस दिन हमने निजामे तालीम को बदल दिया, जब एक आधे एग्जाम में लोगों को पता चल गया कि गाइडें भी नाकाफी हैं, एकेडमियां भी नाकाफी हैं, यहां सिर्फ समझने की जरूरत है और उस समझी हुई बात की फिर आगे एप्लीकेशन की जरूरत है, उस दिन हमारा निजामे तालीम दुरुस्त हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसे पढ़ाया जा रहा है, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपका क्या है। मेरा ज्यादा एक्सपोजर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने का ज्यादा है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि वहां पे गाइड्स बुक और ये चीजें हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज में पीपीटीज है और क्या है, एमसीक्यू ज्यादा है। अब बच्चों को पता है इस स्लाइड्स में से एमसीक्यू आने हैं, तो क्रिएटिव की तरफ वो नहीं जाते जी। तो जब वो अपने टेस्ट के एग्जाम्स में जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि सरकारी स्कूलों की फीस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन लोगों का रुझान फिर सरकारी स्कूलों की तरफ, उसमें प्राइवेट स्कूलों की तरफ आता है, क्यों? क्या उसमें आप समझिए कोई पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं प्रोवाइड किए जाते और सरकारी स्कूलों में प्रोवाइड किए जाते हैं? सर, अगर आप देखें तो जो प्राइवेट स्कूल है ना, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रही होती है, बिजनेसमैन चला रहे होते हैं, और जितने पैसे वो वसूल करते हैं ना स्टूडेंट से, वो उतना उस पर लगा भी देते हैं और उतनी ज्यादा एडवांसमेंट लेकर आते हैं, नई चीजें, नया मटेरियल, नया कुछ आता है और बच्चों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर हम अपने गवर्नमेंट के स्कूल्स में चल जाएं, क्योंकि वो गवर्नमेंट अपने फंड से रन उसको रन कर रही होती है, तो वो वाली इक्विपमेंट्स, वो मॉडर्न चीजें वो वहाँ पे नहीं आती, तो मेरा ख्याल है कि ये वजह है। और दूसरा, वहाँ पे टीचर्स की डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स नहीं है, जिस लेवल पे वो आते हैं उसी लेवल पे वो रिटायर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, हम छोटे थे तो हमें याद है कि स्कूल जाना और मार भी पड़ा करती थी, फिर हमने एक स्लोगन देखा गवर्नमेंट स्कूलों के बाहर लिखा हुआ कि मार नहीं प्यार, और तो आप क्या समझते हैं कि एक जो टीचर है उसका क्या एक रोल है जो जिसको हम रोल मॉडल कह सकते हैं, और जो बच्चों के लिए इन्फ्लुएंशियल भी हो, बच्चों में बच्चे खुद उसे लर्न करना चाहें? मैं पहले तो जो मैम ने बात की है ना, मैं उसकी तरफ आता हूँ कि यही हकीकत है कि सरकारी स्कूल का टीचर जैसा आता है वो उसी इल्म और उसी तजर्बे के साथ वापस चला जाता है। पूरी दुनिया में असाज़ा की ट्रेनिंग्स होती हैं, सर्टिफिकेशंस होती हैं, और ये सालाना, जैसे आपने गाड़ी चलाने का लाइसेंस लिया है ना, तो आपको 2-4 साल बाद वो रिन्यू कराना पड़ता है, तो ये जरूरत है। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, जो हमारे फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन है, हमने रिसेंटली एक वहाँ कोशिश की है कि ट्रेनिंग के साथ प्रमोशन को लिंक किया जाए। हुकूमती इदारे भी ये कोशिशें कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हमें ये बाइंडिंग रखनी होगी कि टीचर जो है वो वक्त के साथ साथ उसकी ग्रूमिंग हो, उसकी ट्रेनिंग हो, उस पता हो कि उसकी माइक्रो मैक्रो टीचिंग की जो है ना असेसमेंट हो कि उसने कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है। उसके साथ ना वो ट्रेनिंग बेस्ड हो, स्किल्ड बेस्ड हो, बच्चों को थ्योरी से निकाल कर थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ लेकर आए, तो वो शायद वो मैं आपकी इस बात से, मेरे बेटे ने, मैं बावजूद उसे जो है ना सरकारी स्कूलों से निकाल के मुझे कुदाती मजबूरियों की वजह से उसे एक प्राइवेट स्कूल में ले जाना पड़ा, बड़ा अच्छा स्कूल है, तो वो एक दिन में घर गया तो वो इंची टेप उठा के ना, तो मेजरमेंट डिफरेंट चीजों की कर रहा था। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो? उसने कहा जी ये मैंने ना मैथ के ये वाले सवाल जो है ना ये इस फार्मूले के मुताबिक करने हैं। सही, तो जरूरत इस अमर की है कि टीचरों की ट्रेनिंग करवाई जाए, जहाँ पे टीचर को मेहनत करनी पड़ती है। जब आप टेलर किस्म का क्वेश्चन उठाते हैं ना, तो उसका टेलर किस्म का आपको आंसर मिल जाता है, कटाकटाया सवाल, कटाकटाया जवाब, टीचर को मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब हम कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड स्टडी पे जाते हैं, जब स्किल बेस्ड स्टडी पे जाते हैं, तो टीचर को मेहनत करनी पड़ती है, जो वो नहीं करता। जब हम उसे ट्रेनिंग से गुजारेंगे,
जब उसे पता होगा कि मैंने ये चीजें करनी है तो इससे तालीम की तरफ बेहतरी आएगी। अब मैं आता हूं आपके दूसरे सवाल की तरफ। बहुत अरसा पहले, आई मीन 2004-05 में मैंने PhD में दाखिला लिया, तो हमारे एक मुझे मेरे सुपरवाइजर ने या हमारे एक टीचर ने असाइनमेंट दी, ये कॉर्पोरल पनिशमेंट पे इसको जस्टिफाई करें या अदरवाइज किए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि बच्चे एक टिपिकल माहौल में एक मुख्तलिफ किस्म के रवैये से कंडीशन हो जाते हैं। जी ठीक है। अच्छा, उनकी कंडीशनिंग ये होती है कि जैसे हम एक जानवर को सुधाते हैं ना, तो उसको हम कैसे सुधाते हैं, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट से सुधा रहे हैं या नेगेटिव री इन्फोर्समेंट से सुधा रहे हैं। मोस्टली हम जानवर को सुधाते हैं पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट में। मसला ये है कि एक बच्चा जो है वो पैदा होता तो स्कूल नहीं चला गया, उस बच्चे ने 5-4 साल घर में गुजारे हैं, उसके घर में उसकी हैबिट्स कंडीशन हुई है, कंडीशन पॉजिटिव हुई है या नेगेटिव हुई है। और मेजोरिटी ऑफ केसेस में इल्ला माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिलीज हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुई होती है, घर में डांट डपट होती है। अब वो बच्चा जो कंडीशन हो चुका है 7 साल या 8 साल की उम्र में, जिसमें डांट डपट के साथ, उसी बच्चे को आप एक सरकारी स्कूल में 50 या 60 की क्लास में लाके बिठा देते हैं और फिर वो जो शरारतें करता है, काम नहीं करता, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये मार और प्यार कैसे सिर्फ पॉजिटिव से इसको आप उसको चेंज कर सके। हाँ, बेसिकली जरूरत हमें इस अमर की है कि टीचर्स को अब इतना भी नहीं बांध देना चाहिए कि वो डांट डपट भी ना कर सके। अब या तो पेरेंट्स इतने अलाइव हों, चूंकि मुझे सरकारी स्कूलों का वास्ता रब्ता है कि एक बच्चा काम नहीं करता, आप उसके पेरेंट्स को फोन करें वो आ जाए, ठीक है, आप उन्हें लिख के दें वो आ जाए, तो जरूरत इस अमर की है। लेकिन ये भी नहीं है कि ये भी जहालत है कि डंडा पकड़ लिया और वो जस्ट लाइक डंकी से मारना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ा बहुत डांट डपट होनी चाहिए क्योंकि तरबियत के लिए जरूरी है। लेकिन सर आई थिंक कि अभी जो मॉडर्न जमाना है ना, हमें अपनी टीचिंग के मेथड्स को बदलना पड़ेगा। अगर साइकोलॉजिकल देखा जाए तो अगर किसी बच्चे को किसी भी एज पर आप कुछ सिखाना चाहते हैं तो आप उसकी एसोसिएशन बनाए। जैसे उसकी एसोसिएशन बनेगी किसी भी चीज के साथ, लर्निंग के साथ, वो इंटरेस्ट डेवलप होगा। जैसे उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा उसकी कंसंट्रेशन बनेगी, जैसे उसकी कंसंट्रेशन बनती है वो लर्न कर जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब की बात से काफी हद तक एग्री इसलिए करता हूँ कि देखिए, आप चाहे वो रिलीजन को देख लें या किसी लेवल को देख लें, लर्निंग हमेशा रिवार्ड एंड पनिशमेंट के साथ ही होती है। बिल्कुल होती है। मैंने कहा है थोड़ा सा अपना टीचिंग का स्टाइल बदल लें कि एसोसिएट करें चीजों को एक दूसरे के साथ, जुड़ाव पैदा करें। मतलब हम बच्चों को बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बायो पढ़ा रहे हैं, एक का दूसरे के साथ कोई लिंक ही नहीं है। बायो में कुछ पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में कुछ पढ़ रहे हैं, या तो उनका लिंक पैदा करें ना, इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप हो जाता है। मेरे कहने का ये मतलब मैं अगर मैम की आपका बेसिकली शेख साहब का जो थीसिस स्टेटमेंट थी इस प्रोग्राम की, वो बड़ी जबरदस्त है। जी जी बिल्कुल। अब उसमें जैसे सर ने इंट्रो में कहा कि जी बच्चे जो है ना वो पढ़ नहीं सकते या एक्सेल नहीं कर सकते, अब इसमें बेसिकली ना पेरेंट्स की साइकी को देखने की जरूरत है। बिल्कुल है। रब्बे करीम ने जब कायनात में इंसान और इंसानों का एक सिलसिला शुरू हो गया, तो रब्बे करीम में जो बच्चा पैदा होता है वो मिक्स ब्लेसिंग्स के साथ होता है। उसमें अगर किसी, अल्लाह ना करे किसी अगर ऑस्पेक्ट की कमी होती है, तो किसी और से उसे ज्यादा नवाजा जाता है। अब जैसे आपने कहा जरूरत है उसे एक्सप्लोर करने की। जी। अब सारी दुनिया में ये होता है कि जो एक बेसिक एजुकेशन होती है मोस्टली वो एलिमेंट्री स्कूलिंग तक होती है, क्लास 1 से लेके 8 तक, या आजकल अर्ली ईयर्स आ जाते हैं, एजुकेशन 2 साल आ गई, तीसरे चौथे साल की, तो हम 10 साल की लगा लें कि एलिमेंट्री 8th क्लास तक, तो सेम सिलेबस है। उसकी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए, उसकी इंटेलेक्ट के लिए, उसके एप्टीट्यूड के लिए, उसकी लॉजिक के लिए, उसकी स्किल के लिए, उसकी कम्युनिकेशन के लिए मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। जब हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो उसके बाद फिर जब हम जाते सरकारी पाकिस्तान के स्कूलों में आ जाते हैं तो फिर उसे बांध दिया जाता है ये मजमून पढ़ने ही पढ़ने। जब हम यहां से निकल के एडवांस कंट्रीज में जाते हैं तो फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की कैद होती है, लेकिन नियम डिसिप्लिन की कैद नहीं होती। यानी उसने ए लेवल करना है तो एनी 3 सब्जेक्ट्स कर ले, ठीक है, उसने ओ लेवल करना है तो एनी 6-7 सब्जेक्ट्स में कर ले। अब ये वाली पाबंदी अगर हम हटा दें, अब लाजमी नहीं कि हर बंदे ने डॉक्टर बनना है, हर बंदे ने इंजीनियर बनना है, देर आर मेनी मोर फील्ड्स और उन फील्ड्स में लोग ज्यादा अर्न करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमें अपने ऑप्शंस को खोलना चाहिए एलिमेंट्री के बाद, ये जो हमने बंद या बनाया सिस्टम दिया हुआ है इसे निकालना चाहिए, साथ साथ बच्चों की
पेरेंट्स की भी एक साइकी है। अब फर्ज किया है 50,000 बच्चे अपेयर हो रहे हैं या 2,00,000 अपेयर हो रहे हैं, फर्स्ट तो एक नहीं आना जी, ऐसे ठीक है। अब वो रिमेनिंग जो है ना बच्चे, उनको स्लॉटर कर दिया ना जरा, हर बच्चे का अपना एक एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, उसकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, उसका इंपैक्ट होना चाहिए, उसे देखना चाहिए और बच्चे को एनकरेज करना चाहिए। तो ये वाले रवैये हमने मार्क्स ओरिएंटेड फिलोसफीज लेके आ गए हैं। अब बात ये नहीं होती कि उसको समझ कितनी आई है, बात ये होती है इसके 99.99% क्यों नहीं आए, इस फिलोसफी को स्कूलों को पेरेंट्स को शदीद जरूरत है। बात कर रहे हैं बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, अभी छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नासरीन। डॉक्टर शाजिया, आप शुरू में आपने बात की प्रोग्राम के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हवाले से, हमारे नाजरीन को बताएंगे ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। डॉक्टर साहब, एक माँ के पेट से निकला हुआ दो बच्चे भी मुख्तलिफ होते हैं, उनकी आदतें मुख्तलिफ हैं, उनका फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट है, उनका पर्सनालिटी डिफरेंट है, कोई इंट्रोवर्ड है, कोई एक्सट्रोवर्ड है। एक ही क्लास में अगर दो बहन भाई भी बैठ जाते हैं ना, तो एक बहुत अच्छा होगा और दूसरा बिल्कुल अपोजिट उसके होगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये है कि मुख्तलिफ जगहों से आए हुए बच्चे मुख्तलिफ हो सकते हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट हो सकती है, फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, उनका पर्सनैलिटी, उनका एटीट्यूड, उनका उनकी आदतें, इवन के उनका इंटेलिजेंस। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आजकल के दौर में इमोशनल इंटेलिजेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें मुख्तलिफ हो सकती हैं, तो जिस तरह का बच्चा होता है उसको उसके मुताबिक टारगेट करके उस पर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हर किसी को एक ही डंडे के साथ या एक ही चीज के साथ डिफाइन करें। मेरे नाज़रीन के लिए अभी अपनी टर्म बोली इमोशनल इंटेलिजेंस की, क्या होती है ये? एक है आपकी नॉर्मल, हम कहते हैं कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है तो हम उसको मैथ के पैमाने से नापना शुरू कर देते हैं। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, आपने अपने एनवायरनमेंट के अंदर, सोशलाइजेशन के अंदर अपने इमोशंस को यूज करते हुए, जज्बात को यूज करते हुए किस तरह रोल प्ले करना है कि आप एक मफीद शहरी बन सके, तो इस पर काम करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बर्दाश्त की बड़ी कमी है, पेरेंट्स में भी, बच्चों में भी, मतलब हर जगह ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। डॉक्टर साहब, आप एक माहिर तालीम है, और क्या हमने कभी बच्चों को एजुकेशन देते हुए इस बात की कोशिश की कि हम बच्चों का पैशन देखें? जैसे भी उन्होंने बात की कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, और आपने भी बात की कि हर बच्चे ने डॉक्टर नहीं बनना होता, एक बच्चा जो डॉक्टर नहीं बन सकता वो बड़ा अच्छा म्यूजिशियन बन जाता है, ठीक है। और हम कैसे बच्चों को, कोई हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम बच्चों का पैशन उसमें डिफरेंशिएट कर सकें? बेसिकली यहाँ पे बच्चा पैदा होता है ना, तो माँ या बाप कहते तुझे डॉक्टर बनाना, बनना ही डॉक्टर है, हाँ। ठीक है। अब स्कूल वाले कितना चीखते रहे कि भाई आपके बच्चे का बायो में एप्टीट्यूड नहीं है, नहीं है, वो कहते नहीं इसे बनाने। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में बॉयज एंड गर्ल्स के, हम एलिमेंट्री के बाद ना आर्ट्स की तालीम इंट्रोड्यूस करवाते कि बच्चा जब उसने 8th का एग्जाम पास कर लिया तो हम कहते हैं जी ये बच्चे बायो नहीं पढ़ सकते, ये कंप्यूटर पढ़ लें, ये बच्चे साइंस नहीं पढ़ सकते, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में आ जाए। अब लड़कियों के स्कूलों में तो आर्ट्स की तालीम बाकी रही है, और बाकी ये पेरेंट्स का इसरार, नहीं मैं पुत्र नूं जड़ा ना साइंस पढ़ानी है जी। इनका इसरार कर करके हम इस हद तक पहुंचे हैं कि शायद एक सरकारी स्कूल है जहां 8वीं के बाद जो है ना आर्ट्स की तालीम दी जाती है, बाकी सारे के सारे जो है ना साइंस के हो गए। क्यों? पेरेंट्स पढ़ाना नहीं चाहते। अब सिमिलरली हमारे यहाँ इस्लामाबाद में 14 स्कूल थे जिन्हें हम टेक्निकल या वोकेशनल स्कूल कहते थे, और स्कूलों में मैट यानी 8वीं के बाद ये टेक्निकल एजुकेशन दी जाती थी, पेरेंट्स नहीं मानते थे, लीडिंग टू कि वो स्कूल खत्म हो गए हैं। जरूरत इस अमर की है कि असाज़ा की, वैसे तो अगर हम मजीद तालीम तरबियत को बेहतर करना चाहते हैं तो जरूरत इस अमर की है कि यूनिवर्सिटीज कैरियर प्लानिंग और कैरियर मैनेजमेंट पे डिफरेंट जो है ना डिग्रीज करवाएं, सर्टिफिकेट कराएं। मैं या कोई भी शख्स अपने बच्चे के कैरियर डिसाइड करने के लिए वो अपनी विम्स पे, अपने इमोशंस या पैशंस पे, ये स्कूल की एडवाइस पे जो है ना बैंक करने की बजाय, रिलाय करने की बजाय कहां चला जाए, उस कैरियर प्लानर के पास चला जाए। कैरियर प्लानर जो है ना आजकल बहुत ज्यादा टेस्ट है, जैसे मैंने कहा है, बच्चे को उनसे गुजारने के बाद फिर बताए कि आपके बच्चे का एप्टीट्यूड, आपके बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस, आपके बच्चे के इमोशनल बैलेंसनेस, इस जो इंटरेस्ट है वो इस फील्ड के लिए सूट करती है। ये तो हिट एंड ट्रेल है, अगर वो राइट फील्ड में चला गया
तो सक्सेस नहीं गया तो रो पीट के 60 साल पूरे करके घर चला जाएगा। सर पिछले दिनों मैं डॉक्टर साहब की बात को बिल्कुल इंडोर्स करती हूँ। पिछले दिनों एक स्कूल में हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया 8वीं के बाद, 8th क्लास के बाद। वो टेस्ट ये था कि बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है और उसका इंटरेस्ट किस में है, क्या उसको डॉक्टर बनना चाहिए, क्या उसको इंजीनियर बनना चाहिए, या उसको सॉफ्टवेयर की फील्ड में जाना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। और आप बिलीव करें काफी इस पर बच्चे ऐसे थे जो कंप्यूटर साइंसेज और बिजनेस का एप्टीट्यूड उनका निकला, इंटरेस्ट निकला, और पेरेंट्स को फिर काउंसिल किया गया कि आप जबरदस्ती ना करें, बच्चा मेडिकल में नहीं जा सकता। और वो सारे वो पेरेंट्स थे जो मेडिकल में जाना चाहते हैं। फिर अल्टीमेटली से क्या होता है, सुसाइड रेट बढ़ता है, डिप्रेशन और स्ट्रेस बढ़ता है, और फिर हमारे पास पहुंचते हैं जब हालात बिल्कुल खराब हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक बच्चा अगर तालीमी मैदान में अपनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाता तो नॉर्मल इसको लेबल कर दिया जाता है, ये तो कुछ जेन है, माँ बाप भी समझे ये तो बड़ा डफर है जी, इसको तो समझ नहीं आती, इवन के टीचर्स भी ऐसा कर देते हैं। क्या समझती है कि एक बच्चा जो सिर्फ तालीमी मैदान में अपनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहा तो क्या वो वाकई कुछ जेन होगा या वो किसी और फील्ड में इससे अच्छी कारकर्दगी दिखा सकेगा? डॉक्टर साहब, आपने अक्सर देखा होगा कि जो बच्चे फील्ड में सॉरी एजुकेशन में अच्छा स्कोर नहीं करते वो स्किल में बहुत जबरदस्त चल जाते हैं, बड़े-बड़े अच्छे मैकेनिक होते हैं, बड़े-बड़े अच्छे पेंटर्स होते हैं, बिल्कुल। तो हम उनकी स्किल को एक्सप्लोर नहीं ना करते, हमने वही बात डॉक्टर वाली बात को मैं फिर एंडोर्स करूंगी, हमने पॉइंट्स की गेम शुरू की हुई है, कितने परसेंट, इतना परसेंट आना चाहिए बच्चों को, पेरेंट्स को भी इससे गर्ज नहीं, बच्चा सीख क्या रहा है, कितने परसेंट है, 1% तुम्हारा उससे कम हो गया और वही चीज बच्चों में डेवलप हो जाती है। पिछले दिनों मेरी अपनी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम पेरेंट्स प्लीज हमारे पेरेंट्स के साथ एक सेशन करें, हम बहुत प्रेशराइज हैं, पेपर्स आने वाले हैं, परसेंटेज ठीक होनी चाहिए, हर वक्त किताबें पढ़ो हर वक्त। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को मेंटली रिलैक्सेशन की बहुत जरूरत है, जैसे वो मेंटली रिलैक्सेशन में फिजिकल रिलैक्सेशन में जाएंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे, तो पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आप टीचर हैं, अभी बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, हमें याद है कि हम जब छोटे थे तो सुबह स्कूल जाना, दोपहर को आके खाना खाना, माँ ने सुला देना, शाम को ग्राउंड में जाना खेलना, फिर उसके बाद मगर के बाद नहा धो के स्कूल का काम करना, तो इट इज एनफ। आज जो बच्चे की रूटीन है, सुबह स्कूल है, घर आते ही उसने खाना खाना और एकेडमी चले जाना है, एकेडमी से आना है तो कारी साहब ने आ जाना है। तो आप क्या समझते हैं कि ये लर्निंग में ये हेल्पफुल है, ये बच्चे को बिल्कुल उसने एक मशीन बना दी है? इस सिस्टम ने ना सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब सरकारी स्कूलों का बेड़ा इस तरह गर्क कर दिया है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के दिमागों में ये फिटन किया जा रहा है कि जी स्कूल में पढ़ाई नहीं होनी, मतलब व्हाट इज बीइंग गिवन देयर इन द एकेडमी वो समथिंग गॉड गिफ्टेड चीजें हैं जो यहाँ नहीं हो सकती। नतीजा क्या होता कि वही बच्चा वही कॉन्टेंट क्लास में पढ़ता है, वही जाके अकेडमी में पढ़ता है। मैंने एक प्रोग्राम में सरकार पाकिस्तान को अर्ज किया था कि भाई पूरी दुनिया तरक्की कर गई है, ओ लेवल प्राइवेट हो सकता है, ए लेवल प्राइवेट हो सकता है, आप इस एफएससी और मैट्रिक को प्राइवेट क्यों नहीं करते? ये इन्होंने एक पख लगाई हुई है प्रैक्टिकल्स की जी। अच्छा, वो जो प्रैक्टिकल की पख है वो ऐसी, अगर पूरी दुनिया जो है अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल के साथ चल रही है तो आप क्यों नहीं चल सकते? भाई अगर एकेडमी माफिया इतना ही अच्छा काम कर रहा है तो फिर एकेडमी बच्चे को क्या जरूरत है दूसरी जगह भेजने की? जिस दिन हमने ये राइट डिसीजन कर लिया कि जी आप जहां से मर्जी पढ़े, आई हमारे पास आके इम्तिहान दे लें, हमारे मामला ठीक हो जाएंगे। अब ये कोई जिंदगी है? बच्चा सुबह 7 बजे उठता है, ठीक है, और वो स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, रोटी खाई नहीं खाई, नमाज पढ़ी नहीं पड़ी, एकेडमी की दौड़ लग गई। अब उसकी मैट्रिक और एफएससी में ये जो 4 साल है उसकी जिंदगी के, ये मैं समझता हूं कि जस्ट लाइक ए मशीन है। यहां तो मशीन भी है जो है ना 4 साल में फेल हो जाती है। तो इस सिस्टम को बदलने का एक ही इलाज है, वो इलाज ये है कि सरकार प्राइवेट तालीम मीन मैट्रिक और एफएससी को प्राइवेट कर लें कि आपने कहां से पढ़ा है हमारा कोई कंसर्न नहीं, अब अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल के साथ आके एग्जाम दे लें। अगर पेरेंट्स समझते हैं कि स्कूल नहीं पढ़ाता तो स्कूल में दाखिल ना कराएं, ठीक, वो अगर वो समझते हैं एकेडमी अच्छा पढ़ाती है तो अपने बच्चों को एकेडमी में, कम से कम वो उसके पास वक्त तो पढ़ने के लिए। जिस दिन हमने ये डिसीजन किया हम मैं समझता हूं के बेहतरी की तरफ चले जाएंगे और बच्चों की जिंदगी नॉर्मल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि एक बच्चा जो सुबह स्कूल जाता है और शाम को एकेडमी जाता है, अच्छा स्कूल किसी और चैप्टर पे चल रहा होता है, एकेडमी किसी और चैप्टर पे चल रही होती है, स्कूल वाला उसको अपने टेस्ट का कह रहा होता है और एकेडमी वाले अपने टेस्ट पे कह रहे होते हैं, और वो बच्चा कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है कि मैंने स्कूल की तैयारी करनी है या एकेडमी की तैयारी करनी है। नहीं, वो एकेडमी वाले कहते हैं छोड़ो स्कूल को, दफा करो हमारे साथ चलो। अब मुझे माशाल्लाह 12-13 साल हो गए प्रिंसिपलशिप करते हुए, हम पैरेलल स्कूल में क्रैश प्रोग्राम लेके आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आ जाते हैं कि जनाब वो मेरा बच्चा एकेडमी में कर रहा है, तो भाई आप एसएलसी लें और एकेडमी में लेके चले जाए,
और यहां तो हादी है कि किसी स्कूल का रिजल्ट आए ना तो एक ही बच्चा होता है, 15 एकेडमियां क्लेम कर रही होती है हमारी वजह से पोजीशन आई है। जी, 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 तो जी, ये जो हमने एक साइड बिजनेस और इस किस्म की ट्रैकिंग स्टार्ट की है, जिस दिन हमने मैट्रिक और एफएससी को प्राइवेट कैंडिडेट तौर पे अपीयर कराना शुरू कर दिया ना, तो मैं ये समझता हूँ कि अननेसेसरी प्रेशर भी खत्म हो जाएगा और चीजें भी बेहतर हो जाएंगी। जहां तक सरकारी स्कूलों का ताल्लुक है तो नेचुरली वह मिक्स एबिलिटीज के टीचर्स हैं, ठीक है, और जहां तक एकेडमी का ताल्लुक है वो एक बिजनेस एंटरप्राइज है, वहां उनको हर सब्जेक्ट में अच्छा टीचर मिलता है, ये वाली मजबूरियां हैं। और लेकिन अल्टीमेटली सफरर जो है बच्चा है, बच्चा जो चार साल इंसानी जिंदगी नहीं गुजारता, एक मैकेनाइज मशीन की जिंदगी गुजारता। मैं डॉक्टर साहब ने एक प्रैक्टिकल की बात की तो डॉक्टर साहब मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी। पिछले दिनों मुझे इत्तेफाक हुआ शिफा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में एक ब्लॉक पढ़ाने का। I highly impressed and highly inspired of their block. मतलब इतना इंटीग्रेटेड था कि जो मैंने आज पढ़ाया है नेक्स्ट डे मैंने उनके ग्रुप्स बना के वो प्रैक्टिकल उन्हें करवाना है। और मुझे ये लगा सिर्फ मेरे साथ नहीं, सब टीचर्स यही कर रहे हैं। नेक्स्ट डे वो पूरा प्रैक्टिकल उनके साथ होता है, फिर वो बच्चे जाके परफॉर्म खुद करते हैं। तो ये होता है लर्निंग। और मुझे लगता है कि आज ये जरूरत है इन चीजों की, खाली लेक्चर देने से या खाली वो चीजें देने से काम नहीं चलेगा जब तक आप उनको एक मुफीद शहरी बनाकर उस डिग्री के साथ नहीं भेजते कि ये तुम्हारी वर्थ है। हम यहाँ पे ना, मैं थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल वाला थोड़ी मैं उदास कर रहा हूँ। हमारे यहाँ थ्योरी की किताबें अलग है, प्रैक्टिकल की किताबें जी, और वो मेजॉरिटी ऑफ प्रैक्टिकल का ताल्लुक थ्योरी से नहीं है। नहीं होता, बिल्कुल सर, ऐसे ही ठीक है। अब मसला ये है, आप प्रैक्टिकल को खत्म करें, आपको जो थ्योरी के टॉपिक पढ़ा रहे हैं उन्हीं के प्रैक्टिकल कराएं। सर इंटीग्रेटेड ना, इंटीग्रेटेड सर जी। अब हमारे क्या है, अब अगले दिन शोर मचा हुआ था कि ये जो फर्स्ट ईयर जो सेकंड ईयर के एग्जाम होने जा रहा है और टेंथ का होने जा रहा है, क्या नाइन्थ के प्रैक्टिकल भी शामिल होंगे? तो अल्टीमेटली डिसाइड हुआ नहीं, टेंथ के ही होंगे। तो जरूरत इस समय की है कि हमारी थ्योरी सप्लीमेंटेड विद अप्लाइड नॉलेज प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकल कहीं और से आ रहे हैं, थ्योरी कहीं और से आ रही है। डॉक्टर शादिया, पेरेंट्स को गाइड करें जिनके बच्चे जो ये कंटिन्यूसली कंप्लेंट करते हैं, जी बच्चे की तालीमी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, या बच्चे को मारते पीटते हैं, या बच्चे को पनिश करते हैं, तो अगर वो बच्चे की तालीमी कारकर्दगी उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आ रही तो क्या करें? वालदैन की बात करें जी, वालदैन जी वो क्या करें? डॉक्टर साहब ज्यादा कसूर तो पेरेंट्स का ही है। जैसे अभी आपने कहा कि बच्चे मैकेनिकल काम कर रहे हैं, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटियां एकेडमीज, खेल का टाइम नहीं है उनके पास, रिलैक्सेशन का टाइम नहीं है, इतना ज्यादा स्ट्रेस है पूरा दिन, और फिर पेरेंट्स की अलहदा से एक्सपेक्टेशंस है, सोसाइटी की अलहदा से उनसे तवक्कुआत है, पीयर ग्रुप का अलहदा प्रेशर है, तो बच्चा फिर वो क्या करे? तो तवक्कुआत पे वो कैसे पूरा, जो इसको सस्टेन कर लेता है वो तो चल जाता है। मैंने एक अपने बहुत करीबी जानने वाले, मैंने उनके बच्चे को जब परसेंटेज उसने वहां तक अक्वायर्ड नहीं किया, मैंने उनको फिट्स पढ़ते हुए देखे और बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके फिट्स नहीं रुक रहे, इतना बच्चा प्रेशराइज हुआ। बेसिकली मेरे क्वेश्चन का जो पर्पस था ना, जो ये था कि फर्स्ट बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो पेरेंट्स उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या वो ये तो नहीं कर रहे जैसे हम डिसलेक्सिया की बात कर लेते हैं, ठीक है, इट्स अ मेजर प्रॉब्लम, इसमें आपके बच्चे का जो है वो लेफ्ट ब्रेन प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उसको जो वर्बल उसकी कम्युनिकेशन है वो उस लेवल पे नहीं आ रही है, अब उसको आप मार रहे हैं, उसको जबरदस्ती करवा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक तो टीचर्स बताएंगे कि बच्चा ये नहीं कर रहा, तो वालदैन को ये चाहिए, एक तो मैं पहले लेफ्ट हेमिस्फीयर बता दूं कि ये होता ही आपके प्रोडक्शंस के साथ है, आपकी स्पीच के साथ है, वर्बल के साथ, लैंग्वेज के साथ है। डिसलेक्सिया का मतलब है कि बच्चा साउंड को नहीं समझ पा रहा, वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा उस साउंड को। फॉर एग्जांपल अगर सीएटी कैट है तो वो चैट पड़ेगा क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। तो अगर ऐसा बच्चा है तो उसको आइडेंटिफाई कर, वालदैन थोड़ा सा ये देखें कि बच्चा कर क्या रहा है, क्या रूटीन में वो किस तरह बात कर रहा है, जो चीज हम उसको बताते हैं क्या वो भूल जाता है उसके। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो ये अमूमन छोटे बच्चों में डिसलेक्सिया आइडेंटिफाई होता है, बच्चा ए बी सी डी ई एफ बी नहीं कर सकता, तो अगर वो नहीं कर रहा तो वालदैन फ्रेम्स के जरिए उसको सिखाएं, अ ब ट क बजाय ए बी सी डी करने के, देन वो जो फ्रेम है ये जो साउंड है उसके साथ वो उसकी एसोसिएशन करे वर्ड के साथ, उसको उसके साथ एसोसिएट करें। नहीं, नहीं, पहले उसको आइडेंटिफाई हम जो करेंगे वो टीचर्स की हेल्प के साथ करेंगे, और खुद उसको टीचर की हेल्प के साथ, उसको मारपीट से तो गुजारा नहीं होगा ना, टीचर की भी और साइकोलॉजिस्ट की भी पूरी एक टीम होगी जो उनके साथ काम करेगी। तो वालदैन शायद उनको, वालदैन एक्चुअली मानते नहीं है कि हमारे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं ऑटिज्म की मिसाल दूं,
तो एक पेशेंट मेरे पास आए जो पिछले 14 साल से बच्चे को लेके फिर रहे हैं कि कोई ये डायग्नोज कर दे कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक नहीं है, और 14 इयर्स जाया हो गए बच्चे, वो डिनायल में है ना, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इसी तरह डिसलेक्सिया और लर्निंग डिसऑर्डर जितने भी हैं, इसमें भी वालदैन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। तो मुझे लगता है उनकी काउंसलिंग की जरूरत होती है, उनको सही तरीके से बताया जाए कि इशू कहां पर है। डॉक्टर साहब, एक दौर होता था बच्चों की हैंडराइटिंग पे बड़ी तवज्जो दी जाती थी, कलम होती थी, जी की निब होती थी, और उनको बताया जाता था कि हैंडराइटिंग का एक अहमियत होती थी। क्या इस दौर में हैंडराइटिंग की अहमियत खत्म हो गई है, हम सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड हो गए? नहीं, हैंडराइटिंग की अहमियत तो अपनी ही जगह पे है। सिर्फ ये है कि डायरेक्शंस चेंज हो गए कि इसकी तरफ जो है ना बच्चों की तवज्जो भी और वालिदैन की भी कम हो गई है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक स्मार्ट स्कूल सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जी आपकी बुक्स भी इस टेबलेट में, आपने आंसर भी इसके टाइप करके ही देने हैं। ठीक है, तो उन स्कूलों में तो चलें हैंडराइटिंग आपने लिखना ही कुछ नहीं है, अदरवाइज ये एक इजाफी बच्चे की क्वालिटी होती है कि वो खूबसूरत अंदाज में लिखें, और बहुत सारे वालिदैन इसका ख्याल करते हैं और सरकारी स्कूलों पर इस पर तवज्जो दी जाती है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे शायद एक वो दौर आने वाला है कि एग्जामिनेशन हाल में भी कंप्यूटर पड़े होंगे और बच्चा भी टाइप करके अपना पेपर दे रहा होगा। हो रहा है सर। हाँ। सर, कंप्यूटर के अलावा हाँ। बच्चों में स्पेलिंग्स के बड़े इश्यूज आ रहे हैं। हाँ। अब वो कैसे, जो बच्चों ने शॉर्ट हैंडराइटिंग सीखी है सर, जी आर एट ग्रेड की बजाय जी एट, थैंक्स की बजाय टी और पता नहीं आगे क्या, तो स्पेलिंग्स की बड़ी बच्चों में इश्यूज आ रहे हैं। दूसरा ये कि आप जब कंप्यूटर पे काम करते हैं तो ऑटो स्पेल चेक पे आप चले जाते हैं, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं स्पेलिंग की। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, अभी तक हमारे माशरे में जो एक एप्टीट्यूड पाया जाता है वो तालीम का मकसद सिर्फ बेहतर रोजगार है, हमका एक टारगेट है कि हमने जो तालीम हासिल करनी है तो बस कोई अच्छा उसे कमाई कल का सिलसिला क्या बनेगा। क्या ये जो फैक्टर है वो इस पर, जैसे हमने पहले बात की कि इस पर रट्टा भी मारा जाता है, नंबर लेने की भी कोशिश की जाती है, क्या एक जनरल माशरे को कोई मैसेज देने की या उनके मेंटल एप्टीट्यूड चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है कि तालीम को, तालीम का जो एक कंसेप्ट है उसको तब्दील किया जाए? देखिए, हमारा माशरा जो है ना वो मेटीरियलिस्टिक हो चुका है, हम मादियत परस्त हो गए, हर चीज़ को जांचने का एक ही पैमाना है, इसकी जेब में कितने पैसे हैं, ये कितने बड़े घर में रहते हैं और कितनी बड़ी गाड़ी में सफ़र करते हैं। जबकि यूरोप जो है वो तरक्की की उन मनाजिल पे है, उनसे आज़ाद हो गए, वहाँ पे तालीम जो है बराए तरबियत है और फिर अर्निंग बाद में आती है। हमारे तो पहले दिन होता है कि कौन से शोबे में डालेंगे ज़्यादा पैसे कमाएगा, और इंसानियत की वहाँ अहमियत है, हमारे यहाँ इस चीज़ की अहमियत शायद काफ़ी हद तक कम होती जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि जब हम कैरियर प्लानिंग की तरफ जाएंगे, बच्चे को उसकी एप्टीट्यूड के मुताबिक तालीम दी जाएगी, और जब मादियत परस्ती की और ये जो हवस और हिर्स का लालच है इसे कम किया जाएगा, जब जो है स्टेट जो है ना वो एक रफाई स्टेट बनेगी जहां लोगों को एहसास होगा कि बीमारी की सूरत में इलाज हो सकता है, घर ना होने की सूरत में मुझे रिहाइश मिल सकती है, रोजगार ना होने की सूरत में मुझे सस्टेन करवाया जा सकता है, तो फिर ये मादियत परस्ती जो है ना ये शायद कम हो सके और फिर हमारी जो तालीम है वो तरबियत बेस और परफॉर्मेंस बेस हो। जब तक ऐसा नहीं है, ये एक दौर पैसे की लगी हुई है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ा बड़ा पैसा है, लेकिन उसके बावजूद हलाल हराम की तमीज से वो आजाद, एक लिमिट होती है ना कि बंदा कहता है नहीं यार बहुत हो गया जेड़ा है ना मैं को थोड़ा सा बेहतर, तो लेकिन ये एक ऐसी वो क्या कहना चाहिए हिरस है सहूलत के मौजूद है। आई थिंक हर जगह तो मौजूद नहीं है, बस स्पेसिफिक जगह है, वो भी वहाँ जहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, अदरवाइज कोई बॉदर भी नहीं करता उसके एप्टीट्यूड को, इंटरेस्ट भी नहीं है, बस कह दिया चाचा डॉक्टर है तो डॉक्टर बनना है, अम्मा डॉक्टर है तो डॉक्टर बनना है, उसके अलावा कुछ नहीं बनना, तो सहूलत मौजूद ही नहीं है सर। डॉक्टर साहब, हमारे माशरे में एक इशू घूस्ट स्कूलों का भी है, जो गले मल्लों के अंदर छोटे छोटे लोगों ने वो खोले हुए हैं, ये हमारे जो तालीम है इसके ऊपर इनका क्या असर हो रहा है? बेसिकली गोस्ट की जो पहली डेफिनेशन मेंट थी वो ऐसे सरकारी स्कूल थे जो छोटे छोटे देहातों में बने हुए थे, न टीचर जाता था और न वहाँ पढ़ाई होती थी, चंद लोग जो थे उसकी तनख्वाहें सरकार से लेके खा रहे थे। अब जो डेफिनेशन गोस्ट स्कूल की इस्तेमाल हो रही है वो ऐसे सब स्टैंडर्ड चौथी या पाँचवीं कैटेगरी के प्राइवेट स्कूलों को कहते हैं जो मोहल्ले में हैं,
गरीब लोगों के बच्चे या जो भी वहाँ बच्चे जाते हैं, ना अप्रोप्रिएट बैठने की जगह है, ना अप्रोप्रिएट लेवल का टीचर है, और वो एक ऐसी तालीम के साथ एक मस्ती वहाँ की जा रही है जो जुल्म के अलावा कुछ नहीं है। मसलन टीचरों को 5-5, 7-7 हज़ार और 2-2 हज़ार तनख्वाहें दी जाती हैं, और इसी तरह जो किताबें हैं या बच्चों के साथ जो रवैया वो नामुनासिब है। मैं समझता हूँ कि सरकार पाकिस्तान ने प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी पीरा बनाई हुई है, ये ऐसे ही स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए है कि इन्हें बंद किया जाए, और कोई भी स्कूल जब तक उनके लेवल पे नहीं आता उसे जो है ना ना खोला जाए या ना खोलने दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे हाथ होते हैं जो सरकारी इदारों को काम नहीं करने देते, तो हमें ज़रूरत है ये जो तालीम के मैदान में ऐसा जुल्म है और बच्चों की तरबियत के लिए, इसे तो सख्ती से रोका जाए कि मियारी स्कूल हों, कम से कम उनकी मियार का कोई लेवल होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शाजिया आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन बात कर रहे थे बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, अगर बच्चा तालीमी मैदान में वो कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहा जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, तो सिर्फ उसको मारपीट से, सिर्फ डांट डपट से मसले का हल नहीं होगा। इस बात की ज़रूरत है कि बच्चे के टीचर से मिला जाए, ज़रूरत है तो किसी माहिर नफ्सियात से मिला जाए, ताकि बच्चे की प्रॉब्लम को प्रॉपर आइडेंटिफाई किया जा सके और उसका कोई हल तलाश किया जा सके। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी अगली इतवार। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।